भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुकाबले कम विदेश यात्राएं की हैं। इसके साथ ही उन्होंने गोवा में भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा कि मनमोहन सिंह के समय भारतीय प्रधानमंत्री जब चीन, अमेरिका और रूस कहीं भी जाते थे तो दुनिया को पता नहीं चलता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, श्रीलंका कहीं भी जाते हैं तो हजारों लोग उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचाते हैं, तब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद 3 साल में 56 विदेशी दौरे किए। मोदी 132 से ज्यादा दिन विदेश में गुजार चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के पूरे कार्यकाल में 80 विदेश यात्राएं की और कुल 305 दिन विदेश में गुजारे। इस हिसाब से मनमोहन सिंह ने हर साल औसतन 8 विदेशी दौरे किए, जबकि नरेंद्र मोदी 3 साल में 56 विदेशी यात्राएं कर चुके हैं, यानी कम से कम सालाना 18 विदेश यात्राएं। लेकिन अब सवाल अमित शाह पर उठता है कि औसतन 8 विदेश यात्राओं को 18 से अधिक कैसे बताया जा सकता है। हालांकि हो सकता है अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी की 3 साल की विदेश यात्राओं की तुलना मनमोहन सिंह के शायद 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इसी रफ्तार से विदेश यात्राएं करते रहें और मनमोहन सिंह की तरह अगर वह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे तो हो सकता है वह 180 से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुके होंगे।